आज हम बनाएंगे बैगन का भाजा। उसके लिए मैंने बैगन धो लिए, थोड़े से लहसुन लिए जिसे हम पीस लेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर चाहिए। हम पहले बैगन को काट लेंगे, इसको अलग कर देंगे पहले इतने, इस तरह से हम बैगन को काट लेंगे, इस तरह गोल गोल सारे बैगन हम काट लेंगे। बैगन हमने काट लिया, बैगन थोड़े इस तरह से मोटे मोटे होने चाहिए, गोल गोल हम काट लेंगे इतने चौड़े चौड़े। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें बैगन डालेंगे, एक बाउल में रख लिया। ये लहसुन है, इसको हम पीस लेंगे, लहसुन हमने पीस लिया है, लहसुन हम इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से हल्दी, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा हल्दी पड़ेगा इसमें। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च भी हम जो स्वाद अनुसार ही डालेंगे, जितना जरूरत हो उस हिसाब से आप डालिए। अब इसको हम सांप को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसे हम 1 घंटा आधा घंटा के लिए ढक के रख देंगे, फिर हम इसे बनाएंगे। इस तरह से बैगन हमारा हो जाएगा तैयार। अब इसको हम कवर करके 1 घंटे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, फिर हम बनाएंगे बैगन को। एक घंटा हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छे से मसाले में हमारा बैगन लिपट चुका है, इससे जरूरी नहीं है आप 1 घंटा रखें, आप 2 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हैं, जब आपको जैसा लगे वैसा बना लीजिए उस वक्त। हम गैस ऑन करते हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बैगन डालेंगे, तेल गरम हो गया, तीन बैगन आ जाएंगे इसमें हमारे। अब इसको हम धीमे धीमे फिर से पका लेंगे, दोनों तरफ से सेक लेंगे। चेक कर लेते हैं, बैगन इस तरह से लाल हो जाने चाहिए। अब हम दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं, 1 से 2 मिनट लगेगा, हमारे बैगन तैयार हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ से हमारे बैगन हो गया है, इस तरह से दोनों तरफ से हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं इसे, इसी तरह से हम सारे बैगन तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और हमारा सारा बैगन तैयार हो जाएगा। हमारे बैगन का भाजन लग सारे तैयार हो गए, चेक कर लेते हैं। इसी तरह से हमने सारे बैगन का भाजा तैयार कर लिया। गैस बंद करते हैं, अब इसको हम सर्व करेंगे।
बैगन का भाजा हमारा तैयार हो गया। अब इसको धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे।